हेलो गाइस, मयंक चौधरी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं, मैं अपने कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैंने देखे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं जिनमें लोगों ने ये लिखा है कि हुंडई वेन्यू की सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है या फिर मतलब काफ़ी धचकियाँ फील होती हैं इसमें। तो अब जैसे मुझे इसको सवा साल यूज़ करते हुए हो गया और जो मुझे पर्सनली लगा सस्पेंशन को लेकर, उसकी मैं बात क्लियर कर दूंगा कि सस्पेंशन वाकई में स्टिफ है या फिर आपको लग रही है। और एक जो मेन रीज़न रहता है ना आपको स्टिफ फील होती है, वो रहता है टायर प्रेशर की वजह से। अगर आपके टायरों में हवा ज़्यादा है ना तो कंपनी अगर सॉफ्ट सस्पेंशन भी दे रही है आपको, वो भी गड्ढों में फील होगी क्योंकि हवा ज़्यादा रहती है तो वो टायर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता गड्ढे को और ऑटोमेटिकली आपको धचकियाँ और गड्ढे फील होते हैं। तो मैं सही करेक्ट टायर प्रेशर की भी बात करूँगा कि आपको कितना टायर प्रेशर रखना चाहिए जिससे आपको मतलब गड्ढे कम से कम फील हो, और सस्पेंशन की तो ऑन द पॉइंट बात करेंगे क्या वाकई में ख़राब है या फिर। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने से पहले थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज दे देता हूँ। जो हमें हुंडई वेन्यू में आगे सस्पेंशन मिलते हैं वो हैं हमारे कॉयल स्प्रिंग के साथ मैकपर्सन स्टड, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार उनको। यहाँ से हल्के बहुत दिख जाते हैं ये वाली सस्पेंशन हमें देखने को मिलती है आगे। और पीछे की बात करें तो पीछे हमें कॉयल स्प्रिंग के साथ कपल टॉर्जन बीम एक्सल मिलते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये आपको दिख रहे होंगे, ये वाली सस्पेंशन हमें पीछे देखने को मिल जाती है और आगे की आपने देखी ली। तो बस इसमें कुछ इतनी थ्योरिटिकल नॉलेज है, मैंने आपको इनके नाम बता दिया कि ये मिलते हैं। अब आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको भी ज़्यादा प्रैक्टिकल से ही समझ आएगा और मज़ा भी उसी में आएगा। तो अब प्रैक्टिकल करने चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करने चल रहे हैं और उसके बाद हम लास्ट में इन भाई से भी जानेंगे कि इनको वाकई में कैसी लगी सस्पेंशन। तो चलो भाई अब चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली टेस्ट करके बताएंगे आज हम आपको। और जो मेरे को फील लगा है, क्योंकि मैं इसके काफ़ी बार पीछे भी बैठा हूँ तो मैं भी अपना व्यू शेयर कर दूंगा। तो चलो अब हम निकलते हैं। पहले हम जिस ट्रैक पे टेस्ट करेंगे मैं उस पर आपको दिखा देता हूँ। मतलब इस पे ऐसे आप देख सकते हो ऐसे पत्थर निकले पड़े हैं, बिल्कुल लेवल का रोड नहीं है, मैं हर जगह कहीं भी इवन रोड नहीं है। मैंने थोड़ी वो गांव गया था मैं जब ऑफ रोडिंग करने, उसकी भी क्लिप्स से मैं बता दूंगा क्योंकि जब तो मैंने पूरी ड्राइव करी थी। तो पहले इस ऐसे ट्रैक पर टेस्ट कर रहे हैं। तो हम गाड़ी में आ गए हैं, मैं और भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम इस पर थोड़ी रेस पर लेंगे चेक करने के लिए सस्पेंशन कैसी है। आप ट्रैक देख लो, जैसा मैंने आपको बताया पूरे ट्रैक पे आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर देखने को मिलेंगे, प्लेन रोड तो कहीं भी नहीं है। अब काफ़ी लोग ये भी बोल देंगे भाई इतने पे तो अच्छा परफॉर्म करेगी, फिलहाल मुझे यही ट्रैक मिल पाए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा, वरना आपको बढ़िया ट्रैक पर भी दिखाता। लेकिन जो मैंने ऑफ रोडिंग करी थी ना वो प्रॉपर ऊबड़ खाबड़ रोड था, उसका भी एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। उसके बाद अब आप देख लो ऐसी कुछ रोड है और ये गाड़ी चल रही है। आप भोले बाबा से लगा लेना कि कितने गड्ढे हैं और कितने फील हो रहे हैं। स्पीड आप देख लो 8 पे, यहाँ आगे थोड़ा पानी सा आ गया, इससे भी निकल लेते हैं, थोड़ा ये गड्ढा सा है। उसके बाद हम चल रहे हैं ऐसी कुछ कैबिन में वो बनी हुई है। गाड़ी तो इस टाइम हिल रही है क्योंकि पत्थर ही पत्थर है ना, तो गाड़ी तो पूरी हिल रही है, लेकिन कंफर्टेबली तो हम बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। गाड़ी तो ज़रूर बेशक से काफ़ी हिल रही है। और जो भाई बैठे हैं उनसे भी जान लेंगे। अब थोड़ा प्लेन रोड आ गया है तो प्लेन रोड पे चलते चलते भाई से थोड़ा जान लेते हैं कि उनको कैसा लगा, मतलब अभी तक। और अभी कर रहे हैं हम टेस्ट जब तक ये वाले रोड का एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं। तो अभी आगे एक स्पीड ब्रेकर भी आ रहा है, उससे भी फील कर लेते हैं कि कैसा थोड़ा सस्पेंशन है। स्पीड इस टाइम 30 पे है और मैंने इसने पे कुदा दी। तो अब जानते हैं भाई से जो मतलब उनको कैसी लगी सस्पेंशन। तो भाई अब अपना आप शेयर करो आपको कैसी सस्पेंशन लगी। भाई जैसे अभी अपन रोड पे गए थे तो काफ़ी गड्ढे थे उस पर, तो गाड़ी तो हिल ही रही थी पर मतलब बॉडी भी हिल रही थी हमारी, पर ऐसा कुछ लगा नहीं कि काफ़ी रफ रोड है और कंफर्टेबली हम बैठे हुए थे, तो मतलब काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अब जैसे गाड़ी तो पूरी हिल ही रही थी क्योंकि देखो रोड ही नहीं था, वो पत्थर ही पत्थर थे, तो उसके बाद मतलब आप जो बैठे हो आपको मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं अनकंफर्टेबल हूँ और मुझे गड्ढे फील हो रहे हैं, मतलब कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहा मैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, एकदम कंफर्टेबली बैठे थे हम। और बस गाड़ी जरूर हिल रही थी। हाँ, गाड़ी जरूर हिल रही थी, और वो तो हिलेगी भी, आप ट्रक लाएंगे तो वो भी हिलेगा ही, तो गाड़ी तो मतलब ये था आप कंफर्टेबली बैठे हुए थे। तो देखो आपको भाई ने तो अपना शेयर कर दिया ओपिनियन, अभी वो बैठे थे और मतलब ये मतलब
कार की नॉलेज में थोड़ी टेक्निकल नहीं है, तो इनको जो लगा इन्होंने वो अपना बता दिया। मैं बता देता हूँ मेन बात और मेन राज क्या है हुंडई वेन्यू की सस्पेंशन के पीछे। अब काफ़ी लोग यूँ भी कहते हैं कि जो इसकी पीछे की है ना सस्पेंशन, मतलब पीछे के टायर वाली पीछे जो बैठता है वो स्टिफ है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं गया था धौलपुर गया था, तो हम गाड़ी में थे 5 जने और मैं बैठा हुआ था पीछे। तो पीछे मैंने जर्नी कवर करी थी करीब 110 किलोमीटर की वन टाइम और 110 किलोमीटर की आते टाइम। तो उसके बाद मैं बैठा ना, तो गड्ढे भी आए थे क्योंकि गांव के इलाके में गए थे, थोड़ा हम प्रॉपर उधर नहीं गए थे। तो उसके बाद मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब थोड़े सस्पेंशन बेकार हैं गाड़ी के या फिर धचकियाँ फील होती हैं। अब ये नहीं पता कि गाड़ियों का भी अंतर पड़ सकता है, लेकिन मुझे तो पर्सनली आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि सस्पेंशन गाड़ी की कमज़ोर है। और उसके बाद अब जो मेन चीज़ है ना सस्पेंशन को लेके, वो मैं आपको एक और बता देता हूँ। सस्पेंशन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो कि हमारा रहता है टायर प्रेशर। अब जैसा कि काफ़ी लोगों को पता होगा जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं कि मेरे पास है, मैंने ले रखा है टायर इन्फ्लेटर, और मैं कभी मतलब बाहर से ज़्यादा हवा भराता नहीं हूँ, तो मैं टायर इन्फ्लेटर से घर पे ही भर लेता हूँ। तो उसके बाद अब काफ़ी लोग पूछते हैं क्या टायर प्रेशर सही रखना चाहिए हमें। तो टायर प्रेशर आपको देखने के लिए आप जैसे ये डोर खोलोगे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा आपकी कार में, यहाँ टायर प्रेशर लिखा रहता है 33, 33, 36, 38। तो ये ऐसा कुछ टायर प्रेशर है। अब मैं पर्सनली बता देता हूँ मैं कितना रखता हूँ। मैं आगे वाले टायरों में रखता हूँ 33 और पीछे वाले में रखता हूँ 36। एक बार मेरे कहने पर आप भी इतना टायर प्रेशर ट्राई करना और जब आप देखना आपको गाड़ी की सस्पेंशन कैसी लग रही है, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसी रखता हूँ और मुझे आज तक सस्पेंशन से कोई पर्सनली तो शिकायत हुई नहीं कि मतलब स्टिफ है, बढ़िया है। और स्टिफ कंपनी ज़्यादातर इसलिए देती है ताकि आप जब हाईवे पर गाड़ी भगाओ ना तो स्टेबिलिटी मिले, वरना अगर सस्पेंशन हल्की मिलेगी तो हाईवे पर आपको स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अब ये तो बात हो गई सस्पेंशन की। तो और कहना चाहूँगा, जब हम न्यू कार लेते हैं और उसके बाद साथ जब हमें नए टायर मिलते हैं, तो इनमें अगर आप 36 हवा भर के जा रहे हो ना और आप निकल रहे हो कोई हाईवे राइड पे, तो आप आके देखोगे तो आपको इसमें हवा मिलेगी 40 कुछ समथिंग। तो मतलब ये जब स्पिन होता है ना तो इनमें ऑटोमेटिकली टायर भर जाती है, पता ही नहीं क्या राज है इसके पीछे, लेकिन नए टायरों के साथ और नई कार के साथ ऐसा होता है। तो इसलिए आप थोड़ा एक दो पॉइंट कम ही भरें हवा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो भर जाती है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो आप खुद पर्सनली चेक भी कर सकते हैं अगर आपने नई गाड़ी ली हो हाल फिलहाल में। तो उसके बाद ये, और जब सर्विस करवाने जाते हो ना आप, तो सर्विस में वो भर देते हैं 40-40 हवा, 40-40, तो ऑटोमेटिकली गड्ढे तो फील होंगे ही। अब एक दिन जैसे मैं सर्विस करा के लाया था तो 40-40 भर दी थी, फिर पापा लेके चले गए थे गाड़ी को, तो पापा ने आते ही कह दिए गाड़ी कैसे धमधम कर रही है, मतलब गड्ढे फील हो रहे थे। तो फिर हमने देखा गाड़ी में हवा इन्होंने 40-40 भर दी, तो गड्ढे तो फील होंगे ही। तो यही वाला कुछ वो हो सकता है आपके साथ, क्योंकि सस्पेंशन तो सही है, मतलब ठीक ठाक है, ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी कि गाड़ी मतलब बढ़िया सस्पेंशन नहीं है। और कंपनी स्टिफ इसलिए भी देती है, मैंने आपको बताया कि हाईवे पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए, तो हर एक्सपर्ट को देखते हुए सस्पेंशन काफ़ी अच्छी मिल जाती है हुंडई वेन्यू की। और मैं आपको जो मैंने थोड़ी गाँव में ऑफ रोडिंग करी थी वो भी दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ वीडियो थी, अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।